टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर नेमदराज एक भारी जिस्म के आदमी ने हाथ बढ़ाकर साथ ही तिपाई पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, उसकी आवाज भी भारी और गुंजाइश थी। बॉस साहब से रोजी राजपाल फौरी तौर पर बात करना चाहती है, दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, बॉस ने उसी तरफ भारी लहजे में कहा। हेलो बिग राजपाल, मैं रोजी राजपाल बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक चहकती हुई निस्वानी आवाज सुनाई दी। फजूल बातें मत करो, ये बताओ कि फोन क्यों किया है, बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी तलाश की है मैंने, रोजी राजपाल ने कहा। कौन सी, तफसील बताओ, बॉस ने कहा। असलम किंग है उसका नाम, किंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। इल्ताफ रोड पर उसकी कोठी है और किंग प्लाजा में उसका ऑफिस है। पूरा प्लाजा उसकी जाती मलकियत है और तीसरी चौथी मंजिल पर उसके दफातर हैं। मैंने उसके चीफ मैनेजर से मालूमात हासिल की हैं, 50 करोड़ रुपए के सोने की एक डील होने वाली है, रोजी राजकल ने तफसील बताते हुए कहा। 50 करोड़ रुपए के सोने की डील, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। पचास करोड़ रुपए मालियत का सोना एक गैर मुल्की पार्टी से असलम किंग खरीद रहा है और उसने आगे ये सोना मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त करना है, रोजी राजकल ने कहा। ये तो बहुत बड़ी डील है, इसकी तफसीलात क्या हैं, बॉस ने कहा। मेरा कमीशन क्या होगा, पहले ये बताओ, रोजी राजकल ने कहा। वही 1%, बॉस ने जवाब दिया। नहीं, इस बार मैं 2% लूंगी, क्योंकि अब मैं रोज क्लब को फरोख्त करके कोई बड़ा काम करना चाहती हूँ, रोजी राजकल ने कहा। लेकिन फिर तुम्हें ये डील खुद करना पड़ेगी, बॉस ने कहा। मैं कर लूंगी, रोजी राजकल ने जवाब दिया। फिर ठीक है, तुम जानू से मिल लो, मैं उसे फोन करके कह देता हूँ, वो सारे इंतजाम कर लेगा, बॉस ने कहा। ओके, रोजी राजकल ने जवाब दिया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। रब्ता खत्म होती बॉस ने क्रेडल दबाया और फिर टून आ जाने पर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जानू बोल रहा हूँ, रब्ता कैम होते ही एक खरदरी सी करख्त आवाज सुनाई दी। एम बोल रहा हूँ जानू, बॉस ने कहा। ओह यस बॉस, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया। रोजी राजकल ने इतला दी है कि 50 करोड़ रुपए के सोने की डील हो रही है, उससे बात हो गई है, इस डील को वो खुद कवर करेगी, तुम उससे तफसीलात मालूम कर लेना और फिर मिलकर इस डील को कवर करना है, तुम्हारा हिस्सा डबल होगा, बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, लेकिन एक बात बता दूं बॉस, कि रोजी राजकल आजकल एक खतरनाक आदमी के साथ देखी जा रही है, ऐसा ना हो कि ये कोई ट्रेप हो हमारे लिए, जानू ने कहा तो बॉस बेख्तियार चौंक पड़ा। खतरनाक आदमी, खतरनाक आदमी के साथ क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हो, बॉस ने पूछा। टाइगर नाम का एक इंतहाई खतरनाक बदमाश है जो आला तबकों में काम करता है और सुना है कि वो हुकूमत का एजेंट भी है, रोजी राजकल कई बार उसके साथ देखी गई है,
जानू ने जवाब देते हुए कहा। ओ, ये बात है, फिर तो वाकई खतरनाक मसला हो सकता है। तुम ऐसा करो कि इसे तफसीलात मालूम करके उसे फिश कर दो, सॉरी मेरा मतलब है उसे फिनिश कर दो, और खुद ये डील कवर करो। गो वो मेरी इंतहाई जबरदस्त मुखबर है, लेकिन मैं बाहर हाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बॉस ने कहा। बॉस उसे फिनिश करने की बजाय क्यों ना उससे इस सिलसिले में बकायदा पूछगुछ की जाए। अगर ये ताल्लुकात अमूमी नौईयत के हों तो फिर तो ठीक है, और अगर कोई खास खतरे वाली बात सामने आ जाए तो उसे फिनिश कर दिया जाए, जानू ने तजवीज पेश करते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन डील को बाहर हाल कवर करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील है और मैं इस मौके को गिनवाना नहीं चाहता, बॉस ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और बॉस ने हाथ मारकर क्रेडल प्रेस कर दिया। उसकी पेशानी पर लकीरें सी ऊपर आई थी। काफी देर तक वो क्रेडल पर हाथ रखे बैठा रहा, फिर उसने हाथ उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जाबिर बोल रहा हूँ। राब्ता कैम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। राजर बोल रहा हूँ जाबिर, बास ने बेतकल्फाना लहजे में कहा। ओह राजर, तुम खैरियत, आज इतने तवील अरसे बाद कैसे फोन किया है, दूसरी तरफ से भी बेतकल्फाना लहजे में कहा गया। ज़ेरे ज़मीन दुनिया के ऊंचे दर्जे में काम करने वाले एक आदमी के बारे में मालूमात हासिल करनी थी, और इसके लिए तुमसे ज्यादा बेहतर मालूमात और कौन दे सकता है, जाबर ने कहा। अच्छा, तो ये बात है, कौन है वो आदमी, जाबर ने पूछा। टाइगर नाम बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि उसका ताल्लुक हुकूमत से भी है। ये सिर्फ आला तबकों में काम करता है और खतरनाक आदमी समझा जाता है, और राजर ने कहा। लेकिन तुम्हें उसे क्या खतरा पैदा हो गया है, जाबिर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इसका मतलब है कि तुम उसे जानते हो, राजर ने चौंक कर कहा। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बल्कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो तमाम जराइम में हाथ नहीं डालता, जाबिर ने कहा। मेरी एक मुखबर है रोजी रास्कल, वो आजकल उसके साथ देखी जा रही है, और मेरी ये मुखबर मुख्तलिफ जराइम पेशा लोगों के दरमियान होने वाली डील्स का पता चलाती है, और फिर हम उन डील्स को कवर कर लेते हैं। इस बार भी रोजी रास्कल ने एक बड़ी डील की खबर दी है, लेकिन मेरे आदमियों ने मुझे बताया है कि रोजी रास्कल उस टाइगर के साथ देखी जा रही है, इसलिए कहीं ये हमारे लिए ट्रैप ना हो, राजर ने तफसील बताते हुए कहा। किस किस्म की डील है, जाबिर ने पूछा। 50 करोड़ रुपए मालियत के सोने की डील है, राजर ने कहा। ओ, अच्छा, तो ये बात है, राजर तुम फिक्र ना करो, टाइगर इतने छोटे कामों में मदाखलत नहीं किया करता, जाबर ने जवाब दिया। 50 करोड़ रुपए मालियत के सोने की डील, क्या ये छोटा काम है, राजर ने आंखें फाड़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा।
ये टाइगर के लिए बहुत छोटा काम है, वो बहुत ऊंचे हाथ मारता है, समझे? इसलिए बेफिक्र रहो। वैसे अगर कोई मसला बन भी जाए तो मुझे बता देना, मैं कवर कर दूंगा, जाबर ने कहा। ओके, शुक्रिया, राजा ने कहा, और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो, नंबर अटेंड होते ही राजर ने कहा, जानू बोल रहा हूं। रब्ता कैम होते ही दूसरी तरफ से जानू की आवाज सुनाई दी। बॉस बोल रहा हूं जानू, मैंने तसल्ली कर ली है, उस टाइगर का इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम रोजी रास्कल से मिलकर काम करो, मुझे कामयाबी की ही खबर मिलनी चाहिए, बॉस ने कहा। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया, और बॉस ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।